नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। बायोपिक में हमेशा ही दर्शकों का क्रेज रहा है। संजय दत्त की जिंदगी संजू बेहद पसंद की गई। अब खबर आ रही है कि बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और बेहतरीन अदाकारा मधुबाला पर भी फिल्म बनने की तैयारी चल रही है। इस बात की खबर दी है मधुबाला की छोटी बहन मधुर ब्रिजभूषण ने। तो चलिए इस खबर के साथ आपको बताते हैं मधुबाला की जिंदगी के कुछ ऐसे किस्से जो यकीनन मधुबाला के फैंस जरूर जानना चाहेंगे। हिंदी सिनेमा की वीनस कही जाती थी मधुबाला। मधुबाला का नाम लेते ही आपके जहन में उनकी कई छवियां उभर आती हैं। अनारकली, हावड़ा ब्रिज की डांसर, मिस्टर एंड मिसेस 55 की शहरी बाला और भी न जाने कितनी छवियां। दिलकश अंदाज, मनमोहक खूबसूरती और टैलेंट से भरपूर थी मधुबाला की शख्सियत। मधुबाला की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि 1990 में एक फिल्मी पत्रिका का ऑल टाइम ग्रेटेस्ट अभिनेत्रियों का सर्वे हुआ था, जिसमें 58% लोगों के वोट के साथ मधुबाला नंबर एक पर थी। मधुबाला अपने काम को लेकर बेहद संजीदा हुआ करती थी। एक वाकया आपको बताते हैं। ये वाकया है 1958 से 1959 में, जब मधुबाला के आसिफ की फिल्म मुगले आजम की शूटिंग कर रही थी। मधुबाला की तबीयत काफ़ी ख़राब रहा करती थी। मधुबाला वैसे तो घर में उबले पानी के सिवा कुछ नहीं पीती थी, लेकिन उन्हें जैसलमेर के रेगिस्तान में कुएं और पोखरे का गंदा पानी तक पीना पड़ता था। अनारकली के किरदार के लिए मधुबाला के शरीर पर असली लोहे की जंजीर भी ला दी जाती थी, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की और शूटिंग करती रहीं। मधुबाला का मानना था कि अनारकली के किरदार को निभाने का मौका बार बार नहीं मिलता। मधुबाला के ना सिर्फ दिल में छेद था, बल्कि फेफड़ों में भी परेशानी थी। इसके अलावा उन्हें एक और गंभीर बीमारी थी, जिसमें उनके शरीर से आवश्यक मात्रा से ज्यादा खून बहने लगता था और ये खून उनकी नाक और मुंह से आता था। एक वक्त ऐसा भी आया जब मधुबाला को सांस लेना दुभर हो गया था और 4-5 घंटे में उन्हें ऑक्सीजन देना पड़ता था। खूबसूरती का दूसरा नाम मधुबाला की लाइफ के अफेयर भी बेहद इंटरेस्टिंग रहे हैं। इनकी प्रेम कहानी किसी फिल्मी रोमांटिक स्क्रिप्ट की तरह ही है, जो शुरू भी अच्छी तरह से हुई और उसी तरह से खत्म भी हो गई। दिलीप कुमार की जिंदगी में जब मधुबाला आई तो वो महज 17 साल की थी, लेकिन मधुबाला के पिता अताउल्ला खां को ये संबंध पसंद नहीं था। वो दिलीप कुमार को भी नहीं पसंद करते थे और हमेशा ही दोनों के रिश्ते के विरोध में थे। दोनों सिर्फ शूटिंग के सेट पर एक दूसरे से मिलते थे और यही नहीं, वो अपनी मुलाकात अपने पिता से छुपा कर करते थे। इस तरह दोनों का रिश्ता कई साल तक चलता रहा। नया दौर फिल्म के लिए 40 दिन की भोपाल की शूटिंग थी। इस फिल्म के लिए दोनों को ही साइनिंग अमाउंट दे दिया गया था, लेकिन हमेशा की तरह मधुबाला के पिता को शूटिंग के लिए बाहर जाना पसंद नहीं था और मधुबाला ने ही अपने पिता की बात मानी और फिल्म छोड़ दी। बिहार की इस फिल्म के लिए कोर्ट केस भी हुआ था, जो पब्लिक में काफी उछला था, और इसी के बाद 1957 में ये एक दूसरे से अलग हो गए। माना जाता है कि उन दिनों किशोर कुमार भी मधुबाला की खूबसूरती पर फिदा थे, और ये भी सुना गया कि मधुबाला ने दिलीप कुमार को दिखाने के लिए किशोर कुमार से शादी की थी। इस लव स्टोरी में एक और मजेदार किस्सा सामने आया, जब किशोर कुमार ने इस्लाम अपना लिया था और वो अब्दुल करीम तक बन गए थे। 1960 में बनी मुगले आजम में जब सलीम यानी दिलीप कुमार और अनारकली मधुबाला से हसीन भावनाओं का इजहार कर रहे थे, तो उस वक्त असल जिंदगी में दोनों के बीच काफी कड़वाहट घुल चुकी थी। रिश्ता इतना बिखरा था कि दोनों एक दूसरे से बात तक करना पसंद नहीं करते थे। अमेरिकन डायरेक्टर फ्रैंक कैप्रा मधुबाला को अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहते थे, लेकिन मधुबाला के पिता अताउल्ला खान ने इससे मना कर दिया था। उनके पिता पहले रिक्शा चलाया करते थे और इसी दौरान उनकी मुलाकात एक भविष्यवक्ता से हुई, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि मधुबाला बड़ी होकर बहुत शोहरत पाएंगी। फिर उन्हें लेकर उनके पिता मुंबई आ गए। साल 1942 में मधुबाला को बतौर बाल कलाकार बेबी मुमताज के नाम से फिल्म बसंत में काम करने का मौका मिला। मधुबाला को फिल्म अभिनेत्री के रूप में पहचान निर्माता निर्देशक केदार शर्मा की फिल्म नील कमल से मिली। ये फिल्म आई थी 1947 में। इस फिल्म में उनके अभिनेता थे राज कपूर। ये फिल्म ज्यादा सफल नहीं हुई, लेकिन मधुबाला ने बतौर अभिनेत्री अपने सिने करियर की शुरुआत कर दी थी। 1949 में बॉम्बे टॉकीज के बैनर तले बनी निर्माता अशोक कुमार की फिल्म महल मधुबाला के सिने करियर की महत्वपूर्ण फिल्म साबित हुई। साल 1958 में फागुन, हावड़ा ब्रिज, काला पानी और चलती का नाम गाड़ी जैसी फिल्मों की सफलता के बाद मधुबाला एक बार फिर से शोहरत की बुलंदियों तक। फिल्म हावड़ा ब्रिज में मधुबाला ने क्लब डांसर की भूमिका अदा करके दर्शकों का मन मोह लिया था। साल 1958 में प्रदर्शित फिल्म चलती का नाम गाड़ी में उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों को हंसाकर लोटपोट कर दिया। मधुबाला के सिने करियर में उनकी जोड़ी अभिनेता दिलीप कुमार के साथ काफी पसंद की गई। फिल्म तराना के निर्माण के दौरान मधुबाला दिलीप कुमार से मोहब्बत करने लगी थी। उन्होंने अपने ड्रेस डिजाइनर को गुलाब का फूल और एक खत देकर दिलीप कुमार के पास इस संदेश के साथ भेजा कि अगर वो उनसे प्यार करते हैं तो उसे अपने पास रख लें। दिलीप कुमार ने फूल और खत दोनों को स्वीकार कर लिया। साल 1960 में जब मुगले आजम प्रदर्शित हुई तो
फिल्म में मधुबाला के अभिनय से दर्शक मुग्ध हो गए। हालांकि बदकिस्मती से इस फिल्म के लिए मधुबाला को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार नहीं मिला। शादी के बाद मधुबाला की तबीयत और ज्यादा खराब रहने लगी। हालांकि इस बीच उन्होंने पासपोर्ट, झुमरू, बॉयफ्रेंड, हाफ टिकट और शराबी जैसी कुछ फिल्में की। साल 1964 में एक बार फिर से मधुबाला ने फिल्म इंडस्ट्री की ओर रुख किया, लेकिन फिल्म चालाक के पहले दिन की शूटिंग में मधुबाला बेहोश हो गई और बाद में ये फिल्म बंद कर देनी पड़ी थी। मधुबाला की सेहत खराब रहने लगी थी, उनके दिल में छेद था, लेकिन ये बात परिवार वालों के अलावा उन्होंने किसी को नहीं बताई थी। मधुबाला ने उस हालत में भी अपना फिल्मी करियर चालू रखा और यही उनकी मौत का कारण बना। 36 साल की कम उम्र में ही मधुबाला हमेशा की याद छोड़कर इस दुनिया से चली गई। तो ये थी मधुबाला की वो कहानी जिसमें सफलता थी, प्यार था, लेकिन इसके अलावा एक भयंकर बीमारी जिसने हरा दिया मधुबाला को। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।